जो कि है जनानी वाले लोकेटर। तो इससे क्या होता है सर, बेसिकली हमारे घर में कोई चीज़ गुम हो जाती है तो ये उसको ढूंढ कर लाता है RFID की मदद से, ठीक है। और दूसरी फंक्शन इसका ये है कि ये किसी चीज़ से कभी टकराएगा नहीं। इसके अंदर अल्ट्रासोनिक सेंसर लगे हुए हैं जो कि जैसी कोई दीवार या वॉल कुछ भी ऑब्जेक्ट इसके सामने आएगा ना, इसको पता लग जाएगा कि कुछ मेरे सामने और कितने मीटर की डिस्टेंस पे है। ये अपने आप को टर्न कर लेगा या रोक लेगा, ठीक है। ये हमारा है लाइन फॉलोअर। अगर हम टेपिंग के साथ एक लाइन लगा देंगे और इसको उसके ऊपर रख देंगे ना, तो ये उसको फॉलो करते हुए चला जाएगा, चाहे वो टेप कहीं तक भी जा रही है। जहाँ पर वो टेप खत्म हो रही है उसको वहीं पर रोक देगा। अगर हमने सर्कल से एक टेप ड्रॉ करी है तो ये उसी को फॉलो करके घूमता रहेगा उसी के ऊपर। इस चीज़ में यूज होता है भाई, इसको सर हम फायर फाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं मेनली, जिस चीज़ में इंसानों की जान की कीमत लग सकती है, मतलब कि जहाँ पर जान जा सकती है वहाँ पर हम रोबोट्स को यूज़ करके वो कर सकते हैं, ठीक है। ये सर ट्राइकबोट, ये ट्राइकबोट ऑटो पार्किंग पे काम करता है। इसके अंदर कमांडिंग होती है, इसको हम फिक्स करके कमांडिंग करके इसको ऑटो पार्किंग मोड पे लगा देंगे। उसके बाद ये अपने आप जगह ढूंढेगा, अपने आप सेंस करेगा कि दो गाड़ियों के बीच में कितनी जगह है, मैं आ जाऊँगा कि नहीं आ जाऊँगा, तो ये अपने आप जाके पार्क हो जाएगा उसमें। जेस्चर कंट्रोल कार है, ये वर्क करती है वायरलेसली बिल्कुल ही। तो इसको ग्लव पे हमने प्रोग्रामिंग करी है और इसके अंदर हमने आर्डिनो फिक्स करा है, ठीक है। सर अगर हम इसको ग्लव को आप फॉरवर्ड मूव करेंगे तो ये कार फॉरवर्ड मूव करेगी, बैकवर्ड मूव करेंगे तो कार बैकवर्ड, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट एंड राइट करेंगे तो राइट। तो ये कार जो है इसकी रेंज ज़्यादा है, जो ब्लूटूथ की रेंज होती है 10 मीटर उससे ज़्यादा रेंज है। ये इंटरनेट से कनेक्ट होकर बिल्कुल बहुत ज़्यादा रेंज से चल सकती है और GPS कनेक्शन है इसके अंदर, ठीक है सर। ये प्रोजेक्ट है स्मार्ट स्टिक फॉर ब्लाइंड्स। अब ब्लाइंड पीपल्स होते हैं उनको पता नहीं लगता अभी कोई ऑब्जेक्ट आता है, बहुत केसेस देखे होंगे हमने ब्लाइंड पीपल्स टकरा के गिर जाते हैं। तो ये जो स्टिक है ये सिंपल प्रोटोटाइप है उस चीज़ का, इसके अंदर हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया है। अगर कोई भी ब्लाइंड पीपल इसे लेके चलता है और इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट आता है कुछ मीटर्स की रेंज में जो हमने फिक्स करी है, कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो ये बीप करता है कि आगे ऑब्जेक्ट आगे मत बढ़ो। ये हमारा जो है ये प्राइमरी वर्जन है, इसका जो स्मार्टर वर्जन है उसके अकॉर्डिंगली इसमें GPS फिट है, GPS फिक्स है, जिसमें कि पता लग जाएगा कि जो ब्लाइंड पीपल है अगर वो ओल्ड है तो वो कहाँ पर है इस टाइम, उसके घर वालों को पता लगेगा कि वो एक्चुअली कहाँ पर है इस टाइम, ठीक है। दूसरी चीज़ सर, अगर हम उस GPS में लोकेशन फिक्स कर दें कि इस ओल्ड पर्सन को वहाँ तक जाना है, तो अगर मान लीजिए राइट मुड़ना है GPS के अकॉर्डिंग और वो ओल्ड पर्सन लेफ्ट मुड़ जाता है, तो ये बीप करके उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि राइट मुड़ो, आपने यहाँ लेफ्ट नहीं जाना था, आपने राइट जाना था, ठीक है। और सर सबसे जो मेन फंक्शन है इसका, ये हार्टबीट सेंसर है। ये हार्टबीट सेंसर इसके स्मार्टर वर्जन में लगाया गया है। इसके अकॉर्डिंगली क्या काम होता है इसका, हार्टबीट सेंसर थंब को सेंस करके पता लगाता है कि हार्टबीट कैसी चल रही है। तो अगर ओल्ड पीपल, ओल्ड पर्सन होता है जो ब्लाइंड है, उसकी आपको पता कभी भी तबीयत खराब हो सकती है, हार्ट फ्लक्चुएशन हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, तो जैसे ही इससे कुछ भी सेंस होगा, इसे लगेगा कि तबीयत खराब होने लग रही है, तो इसमें GPS के थ्रू घर वालों को लोकेशन आ जाएगी सीधा ही और मैसेज चला जाएगा कि जो पर्सन है उसकी तबीयत खराब हो रही है, ठीक है सर।